कांग्रेस की ओर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा और नंगा कहने पर बीजेपी ने बयान को हथियार बना लिया है और अब 28 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी मैं भी शिवराज नाम से अभियान चला रही है, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस का बयान सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस ने बयानों की मर्यादा पार करते हुए प्रदेश की जनता का अपमान किया है। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव प्रबंध समिति की संयोजक भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से अब बात भूख और गरीबी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं पूरी बदजुबानी पर आ चुके हैं सारे नेता, कांग्रेस की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने गरीब का अपमान किया है, गरीब को भूखा नंगा कहा है और अब हमारे चुनाव कैंपेन में ये रहेगा। हर गरीब आदमी कहेगा कि मैं गरीब हूँ। अगर कांग्रेस गरीब मानती है, भूखा नंगा मानती है तो हम भूखे नंगे या गरीब हैं। हर गरीब इस बात को अब कहेगा और मैं गरीब हूँ, ये हमारा अब चुनाव अभियान का हिस्सा होगा। अब ये बीजेपी के सारे नेता कहते नजर आएंगे, सभी लोग इस बात को कहते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस ने गरीबों का मजाक उड़ाया। क्या मानते हैं सर, अभी जो 28 सीटों पर आज लोगों ने रथ भी रवाना किया, क्या मानते हैं कि इनसे किस तरह से प्रतिसाद मिलेगा पार्टी? नहीं, देखिए, ये कोरोना काल है और कोरोना काल में वर्चुअल माध्यम से आपकी बात जनता तक पहुंच जाए, कम से कम हम लोगों को आम समय करना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए वर्चुअल रथ हमारे सब जगह गए हैं। इनके माध्यम से सभाएं भी होंगी और जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार। आखिरी सवाल है, कल कमलनाथ जी ने सागर में अपने आप को जवान बताया कि मैं तो अभी जवान हूँ। देखिए, राजनीति में जो जो ना करना पड़े वो थोड़ा है, अब कोई अपने आप को जवान मानता है और बाजू में कोई पकड़ के चलता तो इसको क्या कह सकते हैं। तो मैं देखा कि डिजिटल रथ रवाना हुए हैं और डिजिटल रथ है क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो पूरा वर्चुअल का ही दौर चल रहा है, लिहाजा कम समय में ज़्यादा जगहों पर अपनी बात पहुंचाने के लिए डिजिटल रथ को भाजपा सही मान रही है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल।